आज बड़ी अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। सरकारी अस्पतालों की हालत इजार, जुल्फी बुखारी की नाहली, रेलवे खसारे और दीगर मुकदमात पर समाअत होगी। मातहत अदालतों में मौसम सरमा की तातीलात का आज पहला रोज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी, जिला कचहरी में मौसम सरमा की तातीलात। मौसम सरमा की तातीलात 1 जनवरी 2019 तक होंगी। दौरान तातीलात ड्यूटी जजेस अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। आमदन से ज्यादा सासाजात और साफ पानी कंपनी स्कैंडल केस, हमजा शहबाज को नैब लाहौर ने आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज नैब टीम के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगे। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत, बैरिक में टीवी, अखबार, मैट्रिस, 3 कुर्सियों के साथ मेज दस्तियाब। घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना, डॉक्टर्स ने सेहत तसली बख्श करार दे दी। बैरिक नंबर 1 में मुंतकिल जुल्फकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरिक में जेल काट चुके हैं। बेटी की वालिद से मुलाकात, मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आए। मुलाकात जेल हुकाम की निगरानी में करवाई गई, 1 घंटा जारी रही। महकमा दाखला। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर के गैर कानूनी व्हाइट हाउस की दीवारें मिसमार, क्रेनों, हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोकर पैलेस को गिराया गया। पैलेस में मौजूद गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद बट की जेर निगरानी किया गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग, व्हाइट हाउस का एक और केस बेनकाब। पहले पास नक्शा, फिर मंसूख नक्शा और अब एलडीए का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 कनाल पर मुहित, खोखर पैलेस की सिर्फ 9 कनाल अराजी की मंजूरी ली गई। शफी खोखर, अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार एलडी के साबिक डायरेक्टर रायश अशरफ ने नक्शे पास किए। घरेलू मुलाजिमा 2 बहनों पर तशद्दुद का केस, साबिक विफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का मौके। गवर्नर हाउस में यौम कायद और क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब, गवर्नर, वजीर आला और सूबाई वज़रा की शिरकत, मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब बोले, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जहां सबको हकूक मिले। नए पाकिस्तान में हमने इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। नून लीग की जानिब से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कायद डे पर केक काटने की तकरीब। परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, चौधरी शहबाज और डेप्टी मेयर्स की शिरकत। सीसीपी ऑफिस में भी कायद डे पर केक काटने की तकरीब। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने कायद आजम की यौम पैदाइश पर केक काटा। सत्ताईसवीं कौमी रूलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जिमनेजियम हॉल में शुरू। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल और वजीर खेल राय तैमूर ने इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों की कौमी परचम थाम कर परफॉर्मेंस। दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया।
और बिछड़ा जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। खुशबुओं मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उर्दू जबान और अदब से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। जज्बों के शायर मुनीर नियाजी की आज 12वीं बरसी। अदब के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाले उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाजी को हमसे बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। उनके अशार की महक आज भी फिजा को मौत तक किए हुए हैं।